कोविड के सिनारियों को देखते हुए है ना, स्किल कैबिनेट को ऐड किया गया है। हालांकि उसको बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर के सेशन रखेंगे, 10 से 20 क्वेश्चन हम उठाएंगे जो वैलिड है, और उसका मैं अभी आंसर दूंगा आपके ऊपर। तो आप देखेंगे लंग्स की प्रॉब्लम में रेस्पिरेटरी डिसीप्लिन में एक एनस्थियल कैविटी की भूमिका क्या है। तो हम स्लाइड टू स्लाइड जाएंगे। रेस्पिरेटरी डिजीज इज द टाइप ऑफ डिजीज दैट अफेक्ट द लंग्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी डिजीज में भी कॉज बाय इंफेक्शन, बाय स्मोकिंग टोबैको और बाय ब्रीदिंग इन सेकेंड हैंड टोबैको स्मोक और अदर फॉर्म्स ऑफ एयर पोल्यूशन। देखिए ओवरऑल ये स्लाइड बोलना ये चाह रहे कि आप किसी भी प्रकार का धुआं, चाहे वो सिगरेट का हो, आपने भी हो, आपके सामने वाले ने भी हो, चाहे वो हाउस डस्ट हो, चाहे पॉलन ग्रेन्स हो, चाहे आप सीमेंट फैक्ट्री के पास में रहते हो, चाहे वो गाड़ी से निकलने वाला धुआं हो, चाहे फैक्ट्री से निकलने वाला, किसी प्रकार का धुआं आप इनहेल करते हैं, ये चीजें आपके लंग्स या रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारियों को पैदा करता है ना। इन चीजों पर ही मेंटेन करने के बाद में हमको थोड़ा सा रिलैक्सेशन या ऐसा चीजें मिलती है हमको। अब इनसे होता क्या है, तो मोस्टली कार्बन मोनोऑक्साइड और एसिड गैसेस निकलती है जो हीमोग्लोबिन को हटाती है, और उसके जगह से ऑक्सीजन को लेने की जगह में कार्बन डाइऑक्साइड को घुमाते हैं बॉडी में, और ऑक्सीजन सेचुरेशन डाउन होने लगता है, जिससे आपको रेस्टलेसनेस, हाइपरवेंटिलेशन ऐसी तकलीफें आती है। एक एक सामान्य आंकड़ा यहाँ पर दिया गया कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 1/7 है, मतलब हर सातवां आदमी इंडियन है अगर अपन पॉपुलेशन के लेवल पे देखें तो। अगर लेकिन अगर हम बात करें कि भाई हमको रेस्पिरेटरी डिजीज कितनी होती है, तो हर 100 लोगों में से मरने वाला 32 लोग इंडियन है। तो ये काफी एक आंकड़ा अच्छा नहीं है, जिसे थोड़ा सा सिस्टम गड़बड़ होता है। और हमारे हमारे देश में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से, दिल्ली है, दिल्ली में पराली जलाना या फिर जो स्मोक एरिया है या फिर जो वहाँ का वातावरण है, ये चीजें हैं। जैसे ही बहुत सारी सिटीज ऐसी इंडिया में जहाँ पर एयर का जो लेवल है वो काफी ही डाउन है, इन चीजों की वजह से हमको तकलीफें देखनी पड़ती है। 1 मिनट का रेस्ट देते हैं, मुझे 1 मिनट दीजिएगा प्लीज। चलिए ओके, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। एंड वी टू कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी के कारण भी एक ब्रेक लेना पड़ा था। तो हाँ, हम लोग यहाँ पर थे कि ये जो है यहाँ सिटीज में जो भी एयर पोल्यूशन हो रहा है या फिर हम लोग जो फेस कर रहे हैं, इसकी वजह से हमारी जो लंग कैपेसिटी या फुल्ली लोडेड जो हम एक लंबी सांस ले पाते हैं, वो हमारा जो वॉल्यूम है वो कम होता जाता है, जिसके कारण हमको लंग्स की बीमारियां ज्यादा देखने को मिलती है। या फिर हम लोग जो कोविड की वजह से जल्दी हमको ऑक्सीजन की तकलीफ हो रही है, उसी वजह से हो रही है। अब एनएसटी करते क्या है, तो ब्रोंकियल कंजेशन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ पे काम करती है, मोस्टली ये उस लेवल पर काम करता है ना। तो ब्रोंकियल कंजेशन क्या होता है, जैसे एक ट्री लिया जाए, जैसे मेरे हाथ है, मेरे हाथ में से अगर ब्रांचेस मारूं को, इसके सब ब्रांचेस बनाऊं, और तो एक लेवल पर बहुत छोटे छोटे ब्रांचेस आते हैं, वहां पर जो कफ दोष है या आपका स्पूटम है या फ्लेगम है, आप जो बोले वो जमा होने लगता है। जैसे हार्ट में ब्लॉकेज क्रिएट होते हैं, वैसे ही लंग्स में ही ब्लॉकेज क्रिएट होते हैं। लेकिन हमारे पास लंग में एक ये ऑप्शन अच्छा रहता है कि हम ऐसी चीजें लेकर के उसे कफ को बाहर फूंक सकते हैं, निकाल सकते हैं, या भाप लेकर के वही डिजोल्व कर सकते हैं उसको। तो ये उन चीजों पर काम करता है। लेकिन इसका डेडली चीज क्या होती है, जैसे ही ये ब्लॉकेज बढ़ने लगते हैं, आपको सांस नहीं आती, और वहां पर थोड़ा सा जान का खतरा बनता है। तो एनास्थिल टैबलेट वहीं पर काम करती है कि आपको कंजेशन ना आए, और वहां पर आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ में आपकी सांस कष्टना ना आए, आपको सांस लेने में तकलीफ ना हो, स्पेशली जो अस्थमा पेशेंट के साथ में होता है, थोड़ी भी डस्ट आती है या थोड़ा भी एलर्जी के लक्षण आता है, उनका कंजेशन बढ़ जाता है, वो सांस नहीं ले पाते, हाइपर वेंटिलेशन की वो बनती है, उनको एक प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो अब देखिए तो पोजीशन में क्या है, तो अमलतास है, उलेटी है, करकरा है, उत्तंगन है। अब थोड़ा एवरेज में डीप में जाओ तो ये चारों चीजें ये हमारे छाती के ऊपर वाले भाग पर काम करते हैं। जैसे करकरा को कफ दोष और बताया गया, उलेटी को कंठ के मतलब गले में काम करने वाली दवाई बताया गया,
बहुत से लोग देखे होंगे जब भी गले की खराश होती है या खांसी होती है तो बड़े लोग मिलेटी वाली चाय या मिलेटी चूसने बोलते हैं, तो ये इसी वजह से ही बोलते हैं। अगर अगर आप कफदोष नाशक है, उत्तंगन भी कफदोष नाशक माना जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं बेनिफिट्स क्या क्या आते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि रिड्यूस एक्जेशन को कम करेगा पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक में और फ्लेवर को बाहर करता है। ये एक्सपेक्टोरेंट एंड ब्रोंकोडायलेटर प्रॉपर्टी शो करता है। एक्सपेक्टोरेंट मतलब जो भी कफ दोष है या फ्लेगम है उसको बाहर फेंकेगा, चिपका रहता है वो आपके पूरी ब्रांचेस में, तो जैसे ही ब्रोंकोडायलेटर प्रॉपर्टी आती है तो थोड़े से ब्रोंकस फैलने लगते हैं, कफ को थोड़ा स्पेस मिलता है, वो एक्सपेल आउट होता है, वो बाहर फेंक दिया जाता है। ये दोनों चीजें एक साथ काम करती है जिससे कंजेशन कम होने लगता है और ब्रेथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कम होने लगता है। इसके साथ में ये एंटी एलर्जी और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी शो करता है। एंटी एलर्जी क्यों? क्योंकि बहुत से लोगों को हाउस डस्ट है या पोलन ग्रेन से इन चीजों से बहुत तकलीफ होती है, तो वहां पर ये एलर्जी के समय कम करता है, इसमें सूर्य बढ़ जाती है इन चीजों को कम करता है। ड्यू टू इट्स एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी इट हेल्प्स टू बूस्ट योर इंटरनल इम्यूनिटी एंड मेक्स योर बॉडी सेल्स पोटेंट टू फाइट अगेंस्ट वेरियस इंफेक्शंस। तो देखिए क्या होता है, जब भी ऐसी चीजें आती है, जब भी आपका आपकी बॉडी की सिम है WBC या श्वेत कणिका है जो बहुत स्ट्रांग रहती है, तो कोई भी इंफेक्शन आता है या कोई भी इंफ्लेमेटरी सब्सटेंस आता है वो पर तुरंत उस पर एक्ट करती है और उस इंफेक्शन को वहीं कम कर देती है, जिससे हमको एक पोटेंट पोटेंसी मिलती है, बॉडी को समय मिलता है किसी बैक्टीरिया और वायरस के अगेंस्ट लड़ने के लिए। इसके बाद बात एनएसटी का जो हमारा इंडिकेशन है, तो ब्रोंकियल कंडीशन मतलब कई लोगों को अगर छाती भारी लग रही है, छाती जाम है, या कोई डॉक्टर स्टेथोस्कोप से सुनता है तो उनको एक साउंड सुनाएगा घर घर का, जब बोलते हैं आपके चेस्ट में कफ जमा हुआ है, या अभी जो कोविड में सिनारियो आ रहा है उनका HRCT स्कोर 10, 12, 15 ऐसा जा रहा है, उस पर ही अच्छा काम करेगा, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अच्छा काम करेगा। आपको जिनों को सांस लेने में तकलीफ हो रही, बहुत सारे अभी कोविड में ये देखा गया है, आपका भले ही ऑक्सीजन लेवल 90 से ऊपर हो लेकिन सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या हाइपर वेंटिलेशन जैसा तकलीफ आ रहा है, या 88 हो जा रही है ऑक्सीजन, उस पर भी काफी अच्छा काम करेगा। बस प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में हमको थोड़ा सा ध्यान देना है, लेकिन उसके बाद भी अगर हम इसकी डोसेज पे जाएं जो हेल्थी वेलनिंग का, तो दो दो गोली दिन में दो बार बिल्कुल दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये पांचों चीजें कंप्लीट होती है। एनएसटी डायरेक्ट हम लोगों ने अभी कोविड हमारे जो कोविड की इसको शामिल किया हुआ है, और स्पेशली उसको डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं उनके लिए डिजाइन किया ताकि उनको तकलीफ का सामना ना करना पड़े।